नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक G2020। हम कह रहे हैं इसीलिए क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने 20 मेहमानों के साथ हम आपके सामने G20 का हर एक पहलू रखें। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं G20 को लेकर, इस आयोजन को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये G20 का ये जो आयोजन हिंदुस्तान में हो रहा है उसके हर एक पहलू पर बात करने के लिए मैं पहले अपने 20 गेस्ट के पैनल से आपका परिचय कराती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो हम बैठे हैं, दरअसल G20 की जब बैठकें होंगी, जो अगले शनिवार रविवार जो दो महत्वपूर्ण दिन हैं, वो इसी भारत मंडपम में होंगी। तो यानी हम उस जगह पर बैठे हैं जहाँ बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे, जहाँ से G20 की बैठकें और वहां से जो सम्मेलन से निकल कर आएगा वो चीजें दुनिया के सामने आएंगी। तो भारत मंडपम ऐसा ही है, जिस बिल्डिंग से हमने प्रवेश किया है अभी तस्वीरों के जरिए वही है भारत मंडपम, और भीतर से आपको जो जहां पर ये बैठक होगी वो इसी प्रकार का नजर आएगा। हाँ, चीजें कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगी मेहमानों के सामने रखी हुई और वो दस्तावेज वहां के बहुत अहम रहेंगे। एक एक करके पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राजीव डोगरा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्व भारतीय एम्बेसडर रहे हैं इटली रोमेनिया और पूर्व कौंसिल जनरल कराची पाकिस्तान में समय उन्होंने बिताया है। स्कंद तयाल जी हैं हमारे साथ, भारत के पूर्व कौंसिल जनरल इन जोहानिसबर्ग और ह्यूस्टन, पूर्व एम्बेसडर भारत के उज्बेकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के। रुबिंदर सचदेव हमारे साथ हैं जो डायरेक्टर ऑफ इंडिया अफेयर्स एट USINPAC और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अचल मल्होत्रा हैं, पूर्व डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत के यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वियना, भारत के पूर्व एम्बेसडर आर्मेनिया और जॉर्जिया के। अशोक सज्जनहार जी जो कि पूर्व एम्बेसडर रहे हैं भारत के कजाकिस्तान, स्वीडन, लातविया, बहुत जगहों पर उन्होंने सर्व किया है। साथ ही वीवी सोनी साहब, उनका भी स्वागत है, पूर्व कौंसिल जनरल भारत के सिडनी में रहे हैं काफ़ी समय, एम्बेसडर भारत के सेनेगल के, हाई कमिश्नर भारत के जमैका, फिजी और एम्बेसडर भारत के यूक्रेन में भी समय उन्होंने बिताया है। जितेंद्रनाथ मिश्रा जी जो कि पुर्तगाल, लाओस सर्व कर चुके हैं एक एम्बेसडर के तौर पर भारत के। अनिल त्रिगुनायत जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं VIF, फॉर्मर एम्बेसडर भारत के जॉर्डन और लीबिया के। साथ में डिफेंस के क्षेत्र से भी हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट रहेंगे, मेजर जनरल संजय मेस्टन जो कि पूर्व डिफेंस अटैचे रहे हैं भारत के एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काबुल अफगानिस्तान और पूर्व यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जो कि पूर्व DG इन्फेंट्री हैं। हम इसके साथ, हम क्योंकि 2020 कह रहे हैं, हमारे साथ विशेष मेहमान बाकी देशों से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। अभी तीन और मेहमानों को जुड़ना है, उनका भी हम नाम आपको बता देते हैं ताकि आपको कमोवेश ये पता रहेगा कि कुल मिलाकर हम किन किन बिंदुओं को टच करने वाले हैं। दीपक वोरा जी का स्वागत है, पूर्व एम्बेसडर भारत के आर्मेनिया, जॉर्जिया, सूडान, साउथ सूडान, पोलैंड, लिथुएनिया। अजय जैन भुटोरिया जो कि मेंबर है नेशनल फाइनेंस कमिटी और AAPI लीडरशिप बाइडन टीम के, ये अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर सिंह जो कि पत्रकार हैं, कई सालों का अनुभव, मॉस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूस की तरफ से अपनी बातें रखने के लिए। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फैकल्टी किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जेद्दा, वो UAE से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवकांत शर्मा लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर शैलेश कुमार जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, हमारे साथ लंदन से ये भी जुड़ रहे हैं। तरुण गुप्ता जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। बलराम सिंह मैसाचुसेट्स USA से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रोफेसर और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बॉस्टन से। शोभन सक्सेना जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, साओ पोलो ब्राजील से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश झा जो कि प्रोफेसर मिसिसिपी यूनिवर्सिटी USA, भारत में जब G20 के अलग अलग आयोजन हुए थे अलग अलग शहरों में उस समय भी ये टीम USA की तरफ से आए थे। इसके साथ ही इस्तांबुल टर्की से हमारे साथ अली मुस्तफ़ा जुड़ेंगे, पत्रकार हैं। प्रसून शर्मा जुड़ेंगे जो हांगकांग से, जो कि डायरेक्टर चाइना सेंटर इंडियन ग्लोबल हैं, और जितार जय भारद्वाज जो कि एडिटर इन चीफ हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे के, ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये भारी भरकम पैनल जिस पर अशोक सज्जनहार जी ने पहले ही कह दिया कि लगभग 300 सालों का यहाँ पर आपके पास डिप्लोमेटिक अनुभव है, अकेले अगर हम अपने पैनल की बात कर लें तो
तो हम एक एक करके आप सबसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, ये बहुत चर्चा हो रही है सर कि इंडियाज मोमेंट, ये भारत अपनी प्रेसिडेंसी के जरिए G20 की ये दिखा रहे की कोशिश कर रहा है, क्या हम उसमें सफल हो पाए हैं? एक साल से ये पूरा आयोजन चल रहा है जिसमें गांव गांव तक G20 कोई समझे ना समझे लेकिन चर्चा जरूर उसकी हो गई है सर। देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ा गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए कि इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हो रही है, उसके लिए तैयारियाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और सक्सेसफुल हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी मीटिंग हुई हैं, कितने डेलीगेशंस आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिर्फ एक शहर में नहीं हो रही हैं, सारे भारतवर्ष में हो रही है, इसमें इन्वॉल्वमेंट सारे दूसरे स्टेट से भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो मैं ये कहूँगा कि हम एज द वॉइस ऑफ साउथ आई थिंक वी हैव डन क्वाइट वेल, बहुत अच्छा किया है हमने अफ्रीका को, अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर लाने के लिए जो हमारा प्रयत्न है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 54 जो देश हैं वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान उनके विशेष को, उतने आइडियाज़ को, उनके जो प्रॉब्लम्स को आर्टिकुलेट करेगा, उनको लाएगा, और इससे उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि हिंदुस्तान लीडरशिप देगा। तो मेरे विचार में इसका इस प्रकार का रोल जो हिंदुस्तान के पास आया गया है कॉन्फिडेंस के साथ जो आगे चल रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे पर और ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कोई लीडरशिप रोल दे, बिकॉज लीडरशिप साउथ की तो कोई थी ही नहीं, लेकिन इस वक्त जो मौका आया है वो हमें मौका देगा कि हम और आगे बढ़ा सकें, उनके जो मुद्दे हैं उनको ले ला सकें, बर्निंग इश्यूज ऑफ द डे हैं उनको ला सकें, इश्यूज लाइक फूड सिक्योरिटी उसके बारे में बातचीत कर सकें, उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड, वीमेन एम्पावरमेंट, इतने सारे इश्यूज जो हमने हाईलाइट करे हैं और उनके अंदर जो डिस्कशन हुए हैं, उनके अंदर जो डिसीजन ली गई हैं वो सब पेश की जाएंगी। तो मेरे विचार में बहुत ही अच्छी शुरुआत है हिंदुस्तान के लिए लीडरशिप G20 के लिए, और जो रास्ता हिंदुस्तान दिखाएगा वो सारा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार से आर्टिकुलेट करेगा, तो ये मेरे विचार में बहुत ही अच्छी बिगिनिंग है हमारे लिए। ये बहुत आसान नहीं होता है, आप सोचिए कि दुनिया के बड़े बड़े देश उनके राष्ट्राध्यक्ष वहां पर बैठे, हालांकि उनमें से सबने कंफर्म नहीं किया है, कुछ लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं, पर इसी तरीके से जब यहाँ पर बैठ के एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होती है तो उसमें दरअसल वो डिप्लोमेसी बहुत निर्णायक हो जाती है। एम्बेसडर मिश्रा, क्या आपके अनुसार भारत इस समय जिस एक मुद्दे को लेकर सामने है, हमने G20 शेरपा से भी बात की और उस जॉइंट कम्युनिके को लेकर भी उनसे चर्चा की कि जिस पर तय होगा कि आप कितने सफल हुए हैं, उन्होंने कहा हम तो डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, युद्ध हमने नहीं छेड़ा है, युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं, हम युद्ध की बात ही नहीं करना चाहते। भारत कितना सफल इस समय इस आयोजन को लेकर, जो लीडर्स हट रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जिनपिंग को लेकर कंफ्यूजन, इन सारी चीजों के मद्देनजर जैसे आपने ये बात कही कि हमारे सम्मुख चैलेंजेस तो हैं ही, और मैं थोड़ा चैलेंजेस की बात करूंगा, उससे पहले ये भी कहूंगा कि जो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट भारत ने रचा था G20 के आरंभ से पहले, वो बहुत अच्छा मौका था दुनिया को बताने के लिए कि हम अपने आप को, भारत को वॉइस, नॉट लीडर लेकिन वॉइस, आवाज़ उस दिशा में लेना चाहते हैं भारत को, और उस स्तर पर भारत को पोजीशन करना चाहते हैं। और ये भी साबित होता है कि पपुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर मरापे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साउथ के लीडर हैं और साउथ को आप लीड करें, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को ये बात कही थी। और ये भी हम सोचें कि इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समिट होने वाले हैं G20 के 2024 और 25 में, और इससे पहले इंडोनेशिया में हो चुका है, और ये चारों देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, साउथ के हैं। अच्छा, चैलेंजेस की बात जो करें वो है कि अभी चीन की बात हो रही है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा, इस पर ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देना चाहता हूँ
की पर्सनालिटीज की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आए तो प्रीमियर ली आएंगे, और लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंसेंसस, उसकी बात आपने कही थी। क्या कंसेंसस होगा? मेरे लिए तो अभी इस समय ये एक सिर्फ प्रश्न है, मेरे पास इसका कोई अच्छा उत्तर नहीं है। लेकिन कुछ संकेत हैं, संकेत ये हैं, आप देखिए, जब फॉरेन मिनिस्टर्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, ये भारत के लिए एक गौरव की बात है कि वहाँ पे एक चेयरमैन स्टेटमेंट तो हुआ, वो बाली में नहीं हुआ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में, उसमें तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से वॉकआउट कर लिए थे, लवरो। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट हमने रचा नहीं। और वेस्टर्न मीडिया, पश्चिमी मीडिया, मैं हैरान होता हूँ कि आप सिर्फ यूक्रेन की बात कर रहे हैं, भारत वो नहीं चाहता है। और इसके कुछ संकेत मिले हैं, अभी देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, उन्होंने पब्लिकली कह दिया, गार्डियन में छप चुका है अभी, कि शी जिनपिंग आप अवश्य आएँ, वो अच्छा होगा। अगर नहीं आए वो भी ठीक है, हमें इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हम एक रचा पाएंगे एक जॉइंट स्टेटमेंट, ये एक मेरे लिए अभी प्रश्न है। लेकिन कुछ संकेत हैं, जैसा कि जो आर्टिकल 32 अभी जो ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में हुई, उसमें एक एस्ट्रिक्स लिखा हुआ है कि रूस ये जो यूक्रेन पर जो लिखा हुआ है उसमें, वो उसके साथ वो अग्री नहीं करता है, चीन भी अग्री नहीं करता है। अगर वो एस्ट्रिक्स लगा के पैराग्राफ 32 को हम मान ले तो कंसेंसस हो सकता है, क्योंकि 95% मुद्दों पर तो कंसेंसस है ही। अजय जन भुटोरिया जी, चूंकि अभी जो बाइडेन का जिक्र भी किया है अम्बेसडर मिश्रा ने, इसलिए मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक अच्छे जेस्चर के तौर पर देखा जा रहा है कि जो बाइडेन ने अपनी तरफ से शी जिनपिंग को कहा, हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से ये कोई बात कही नहीं गई है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उस चीज का एनालिसिस भी हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने आने से पहले ही एक जेस्चर अच्छा दे दिया है, क्योंकि भले ही G20 की बैठक हो रही हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के हर एक बात का वजन मतलब यहाँ पर अभी बहुत आंका जा रहा है। चीन भी आंक रहा होगा, जो जिनपिंग है वो भी देख रहे होंगे कि क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल, ये जो G20 समिट है और प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द हिस्टोरिक विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू US, और उसके बाद जो US इंडिया बायोलेटरल रिलेशनशिप जो अभी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलेटरल रिलेशनशिप बन चुके हैं दोनों देशों के बीच में, जहाँ इंडिया और US दोनों एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को की तरफ कमिटेड हैं, उसके साथ साथ दोनों US और इंडिया इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है अभी, और टू काउंटर द balance of influence of China on Indo-Pacific region or Taiwan ke upar aur Indo-Pacific region ke upar, uske liye US aur India ki strategic partnership aur strengthen karne ke liye ye प्रेसिडेंट बाइडेन की जो विजिट है इंडिया में वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो इस समिट के G20 समिट में जो डिस्कशंस इंपॉर्टेंट उभर के आएंगे वो इकोनॉमिक रिकवरी और COVID-19 पेंडेमिक में, जहाँ पे इंडिया कुड प्ले मेजर रोल इन शोइंग टू द डेवलपिंग नेशंस कि वो कैसे इस डिजिटल हेल्थ और उसमें एडवांस कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डेफिनेटली चर्चा होगी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चर्चा होगी, काउंटरिंग टेररिज्म होगा, और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो चाइना होगा और यूक्रेन का जो वार है US की तरफ से, इंडिया का जो स्टैंड है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो आई थिंक ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट है, दिस इज ओनली गोइंग टू स्ट्रेंथन US इंडिया रिलेशनशिप फर्दर, जो आगे 10 सालों में और यू नो इट विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। सही बात है, अमेरिका की तरफ से तो कोशिश होगी ही कि इस वॉर का रेफरेंस रहे, और फिर कहीं वैसा ना हो जाए जो बाली में हुआ कि वॉर शब्द पर ही अमेरिका की आपत्ति और उसी में जॉइंट कम्युनिके फंस कर रह गया। लेकिन अम्बेसडर सज्जनार, मैं एक चीज चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये एक्सप्लेन कीजिए कि G20 का जब आयोजन होता है तो वहां होता क्या है, क्योंकि गांव गांव तक ये बात पहुंची, लोग G20 देख रहे हैं कि देश में कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, पर उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जो मैंने अपना निजी अनुभव बताया था आपको, बताया कि लोग पास तक मांगने लगे हैं, उनको लग रहा है कोई बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सबको शिरकत करनी है। जी बहुत धन्यवाद श्वेता जी, ये एक तो मुझे आमंत्रित करने के लिए और एक ये प्रश्न पूछने के लिए। तो आपने दो चीजें इसमें कही हैं जो क्या होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें भारत में
तो गांव गांव तक इसकी चर्चा हो रही है जो यहां पर G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, और उसमें सभी जो पूरे विश्व की महाशक्तियां हैं वो यहां पर आकर उसमें सम्मिलित होंगी। तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारत ने ये एक नई बात को जन्म दिया है, क्योंकि नॉर्मली ये वाला भी बहुत करीब 23वां G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, और उसमें हम देख रहे हैं जो उसके पहले बहुत देशों ने इसकी अध्यक्षता की है, परंतु उन देशों में कोई भी देश रहा हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, इंडोनेशिया हो, हमने देखा है जहाँ पर भी ये शिखर सम्मेलन हुए हैं वहाँ की ज़्यादातर राजधानी में, इंडोनेशिया में बाली में हुआ, परंतु और ज़्यादा देशों में राजधानी में इनका ये सम्मेलन होता है। सभी जो विश्व नेता आते हैं वो वहाँ पर रुकते हैं, मीटिंग हॉल में जाते हैं, बातचीत करते हैं, जो कागज़ हैं, दस्तावेज़ हैं, उनके ऊपर दस्तखत करते हैं और फिर निकल जाते हैं। भारत में देखिए पहली बार ये कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था शुरू में बाली में, उन्होंने कहा था जो हम चाहते हैं ये शिखर सम्मेलन इंक्लूसिव होना चाहिए, और इंक्लूसिव जो बाहर के देशों को तो हमने इन्वॉल्व किया, जैसे हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का आयोजन किया 12 और 13 जनवरी को, जिससे कि जो 150-160 देश जो बाहर हैं, जो G20 के सदस्य नहीं हैं, तो उनको कैसे इसमें सम्मिलित किया जाए, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या आपत्तियां हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनको कैसे लिया जाए। तो एक तो हमने इंक्लूसिव उस तरीके से बनाया, और दूसरा श्वेता जी हमने इंक्लूसिव बनाया जो अपने पूरे देश में इन ऐसे सम्मेलन जो हुए इनको आयोजित किया, जो भी जितने मंत्री आए, चाहे बेंगलुरु हो, तिरुवनंतपुरम हो, श्रीनगर हो, ईटानगर हो, पूरे देश में 200 कोई ऐसी मीटिंग्स हुई जो हमने करीब 55 शहरों में इसको आयोजित किया। तो एक तो इसको बहुत हमने आगे बढ़ा दिया है। दूसरी बात आपने कही जो इसमें होता क्या है, जब ये सभी मंत्री मिलते हैं या वर्किंग ग्रुप मिलते हैं या शेरपा के अंडर जो ग्रुप हैं वो मिलते हैं, तो वो जो आजकल दुनिया के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर वो चर्चा करते हैं। कौन से मुद्दे हैं हमारे सामने? एक तो कोविड के बाद में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई है। दूसरा हम देखते हैं जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसके साथ भी, चाहे वो हमारे पास फूड शॉर्टेजेस हो, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस हो, फॉसिल फ्यूल हो, डेट हो, इन्फ्लेशन हो, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, ये सभी बहुत बड़े मुद्दे हैं जो पूरी दुनिया को त्रसित किए हुए हैं, ग्रसित किए हुए हैं। इनके बारे में बातचीत करना और इनके समाधान निकालना, मॉस्को की तो कोशिश यही रहेगी, भले ही राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं, लेकिन मॉस्को की तो कोशिश यही रहेगी कि जो अमेरिका चाह रहा है वो ना हो। फिर भी चूंकि भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, आपको वहां पर एक उम्मीद लग रही है रूस में कि कोई ऐसा रास्ता रहेगा, कोई ऐसा रास्ता रहेगा जो सबको स्वीकार्य हो? देखिए, ये समिट जो है एक आर्थिक विचारों के लिए, इतने जितने भी बड़े देश हैं उसके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत ही इस समय जटिल परेशानी ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन और रशिया, तो इस पर मेरे ख्याल से आज के डेट में रूस नहीं सुनना चाहेगा जो कि हुआ बाली में। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से अब लवरोव जी अब क्या एक्ट करते हैं वहाँ पर, ये तो बाद में पता चलेगा, दो अभी बस एक हफ्ते बाद पता चलेगा, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम उठेगी जरूर, जहाँ तक हो सकता है जो भी बाली में उठी थी यहाँ भी उठेगी, क्योंकि अगर अमेरिका आ रहा है, बाइडेन जी आ रहे हैं, जरूर उठाएंगे। सबसे बड़ा सक्सेसफुल है कि आज जो है G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है भारत, और वहाँ पर इतने सबसे विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रतिनिधि इकट्ठा हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत आज अध्यक्षता इसकी कर रहा है। और अम्बेसडर सज्जनहार जी जो बोले, उसको बोलना चाहते थे कि पहला G20 है जो गांव गांव तक पहुंच गया है, जो हर गांव के जो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अदरवाइज वो एक इंटेलेक्चुअल, एक राजनीतिक उस पर रह जाता था, एक जो है राजधानी में एक एक समिट साइन हो जाती थी और एक फोटोग्राफी हो जाती थी बस। आज के डेट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब पास मांग रहे हैं, सब जाना चाहते हैं, एक जिज्ञासा बढ़ रही है। इवन ब्रिक्स समिट में ऐसा नहीं होता,
तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। और देखिए रूस भारत के बीच में, रूस और G20 के बीच में क्या होगा, अब ये आपको 9 और 10 को पता चलेगा। हमने भले ही कई गेम्स के आयोजन कर दिए हों, सैफ देश यहाँ पर आए हों, नैम की बैठक हो गई हो, लेकिन ये चुनौती भी रहा। उस चुनौती में भागीदारी सबकी रही, प्रशासन, राज्य सरकारें, मतलब छतरपुर जैसी छोटी जगह, ईटानगर जैसी जगह, जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो वहां G20 का कोई ना कोई छोटी बैठक चल रही होती है। क्या हम इसे इस हिसाब से देखें कि केवल दिल्ली को नहीं बल्कि समूचे भारत को पूरी दुनिया के सामने रखा गया है, वर्ल्ड मैप पे सबकी जगह को चिन्हित किया गया है? आप जी श्वेता जी, अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो भारत की प्रेसिडेंसी G20 की आई है इस बार, तो इसमें हमारे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत क्लियरली स्पेल आउट होते हैं। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि जो G20 है, ये G20 एक यूनिक ग्रुपिंग है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग, जिसमें दुनिया की सबसे विकसित एडवांस इकोनॉमीज भी हैं और जिसमें दुनिया की इमर्जिंग और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी हैं। तो ये एक इसे यूनिक बनाता है, और इसका जो एम्फेसिस है, जो ओवरऑल एम्फेसिस G20 का है, वो पूरे विश्व में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके साथ ऐसे बहुत से मुद्दे जुड़े हुए हैं जो आपकी, मेरी और हर भारतीय और हर दुनिया के हर देशवासी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो एजेंडा, ग्लोबल एजेंडा लिखा जाता है, उसकी लिखने में जो साझे, जो हमें साझेदारी मिली है, जो हमें मौका मिला है, भारत ने उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया है। भारत ने एक ऐसा एजेंडा रखा है सामने जिसपे विश्व की सभी चुनौतियों पर बातचीत हुई है, पूरे एक साल भर में हर उस मुद्दे पर बात हुई है जो ग्लोबल साउथ की जो एस्पिरेशंस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। और तीसरा, वो जिसके बारे में आपने स्पेसिफिकली बात करी, इसके जरिए हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसे आगे बढ़ाने का मौका मिला है, भारत को शोकेस करने का मौका मिला है। कश्मीर, श्रीनगर जैसी जगह में अगर हमने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग करी है, तो ये भी दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत गया है कि वहाँ की स्टेबिलिटी के बारे में बात हुई है। कोई जो भ्रम बने होंगे बहुत से दूसरे देशों में, उसको दूर करने में इससे मदद मिली होगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, और जो ग्लोबल जो साउथ है उसकी वॉइस बन के उभरने का हमें मौका मिला है। तो ये सब चीज़ों का जो कलेक्टिव आप कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। अभी हमने काफ़ी बात करी आपने एक फाइनल डॉक्यूमेंट को लेके, तो देखिए हमारा ये मानना है कि ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो G20 की डोमेन के बाहर हैं, उनके मैंडेट में आते ही नहीं है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज मानती हैं कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट कर रहा है, तो ज़रूर है इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब तक का जो G20 की प्रोसीडिंग्स, डेलीब्रेशन और जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, उससे लगता है कि इस जियोपॉलिटिकल इश्यूज को छोड़कर एक ग्लोबल कॉन्सेंसस है जो भारत के तय किए हुए एजेंडे को मानता है, और वहाँ हमारी, मुझे लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि हम ऐसे इश्यूज हैं जो क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो डिजिटल डिवाइड से जुड़े हुए हैं, जो इंटरनेशनल डेट स्ट्रेच से जुड़े हुए हैं, और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हमने ग्लोबल कंसेंसस तैयार किया है। यानी कि G20 के ओरिजिनल मैंडेट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा सम्मेलन है पूरी तरह से सफल हुआ है। अगर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, तो किया जाएगा, वो हमारी मजबूरी कह लीजिए या इनएविटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कह लीजिए, तो वो हम देखेंगे आने वाले हफ्ते में उसका जो है नक्शा सामने उभर के आएगा। एम्बेसडर त्रिगुनाथ, जब ये आयोजन मिला, जब प्रेसिडेंसी भारत को मिली, उस समय बहुत सारी बातें कही गई कि ये तो रोटेशन पे आना ही था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पर एक बात होती है वो प्रेसिडेंसी मिलना, जैसा कि एम्बेसडर सज्जन हार भी कह रहे थे कि केवल एक शहर में केंद्रित होकर रह जाता है, एक सोच भी हो जाती है कि अरे क्या निकल कर आ जाएगा, G20 है तो कभी तो कोई मतलब इससे क्या होगा, आम लोगों को कैसे जोड़े, पर उन चीज़ों में हम सफल हो पाए हैं? देखिए श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। मेरा मानना यह है कि जब भारत ने ये अध्यक्षता ली तो इसमें सच कोई ऐसी बात नहीं है कि
सब कंट्रीज में रोटेशन के हिसाब से आता है नंबर, तो भारत का भी आया। लेकिन किस तरह एक देश बड़ी बड़ी वैश्विक चुनौतियों को आगे बढ़ाता है, किस तरह उनको हैंडल करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत की जो प्रेसिडेंसी है, मैं समझता हूँ एक सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पे है, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से हो या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो। तो इन सब सिचुएशंस के होते भारत ने क्या ओपिनियन लिया? भारत की जो थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब दुनिया के लिए हम हैं, और इसीलिए निभर के आता उसके बाहर ग्लोबल साउथ, कि कैसे हम वॉइस बन सकें ग्लोबल साउथ की, जिसने इन इवेंट्स की वजह से सबसे ज़्यादा सफर किया। तो ये भारत का सबसे, दूसरी चीज़ यह है कि भारतीयों को कुछ पता नहीं है। बड़ी बड़ी सेमिनार होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हुई हैं, वे हमने कई बार की हैं, लेकिन जब जन भागीदारी होती है, जैसा कि सारे हिंदुस्तान में लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, G20 के हर जगह लोगों लगे हैं, तो एक तरह से लोगों को पता लग रहा है कि आखिरकार G20 है क्या और इससे क्या लाभ हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सारे मुद्दे, जिसे सब एम्बेसडर्स दूसरे भी बताए हैं, ये मुद्दों के अलावा भारत आज की डेट में एक रूल मेकर के ऊपर भर रहा है, ना खाली रूल फॉलोअर के रूप में। तो आज आपकी आवाज़ दुनिया सुनती है, और इसीलिए जो सारे देश के लीडर्स हैं, किसी भी कोने में हो, कोई भी लड़ाई हो किसी बारे में भी, जो भारत की जो प्रिंसिपल पॉलिसीज़ हैं उसकी वो इज्जत करते हैं। तो जब हम वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करते हैं, तो सारी दुनिया की बात करते हैं, जो बात कोई और नहीं करता है। तो ये एक भारत की सबसे बड़ी पहुँचे, और ये आपने देखा कि हम खाली बोलते ही नहीं हैं। भारत ने जो है आगे, चाहे पेंडेमिक में रहा हो, वैक्सीन डिप्लोमेसी में देखिए आप, तो उसमें भी भारत आगे बढ़ बढ़ के सब्जेक्ट कहा। रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने अपना एक स्पेशल, एक फिक्स्ड प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया। ये लोग सोचते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की वजह से है या ऑयल खरीदने की वजह से, ऐसा भी नहीं है। आप एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड ले रहे हैं और उसको आपने कंसिस्टेंटली किया। जनरल मेस्टन, चाइना की ये टैक्टिक्स हैं जो LAC को लेकर बातचीत चल रही है, उसकी वजह से आपके हिसाब से क्या? श्वेता, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक चाइना का सवाल है, तो जाहिर है कि G20 जब हम होस्ट कर रहे हैं तो इंडिया को वो एम्बेरस करना चाहेगा, और LAC में उसने जितनी भी हरकत की है वो जानबूझ के की है, और जो अभी मैप्स भी रिलीज किए हैं ये कोई समझ में नहीं आया, ये तो उनकी नॉर्मल एक प्रतिक्रिया जो करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम इसको बिल्कुल पब्लिसाइज करके जो उन्होंने दिखाया है ये मैप को रिलीज करके, साफ जाहिर है कि उनका इरादा नेक नहीं है। और शी जिनपिंग का ये सब चीज़ों से लग रहा था, खासकर ब्रिक्स सम्मेलन के बाद भी जो कुछ विषयों हमने देखे हैं, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला था जो वो सोच रहे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ज़्यादा मिला था। तो ये सब देखते हुए उनको लगा है कि अभी इंडिया में अगर आएंगे तो उनकी शायद पोजीशन थोड़ी खटास में पड़ सकती है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी जो अभी स्टेटमेंट दिया है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि उनको आना चाहिए। उन्होंने इसको ये देखते हुए किया क्योंकि एक इंटरनेशनल फोरम है G20, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और विश्व में खासकर इकोनॉमिकल डिसीशंस लेना नियत ही ज़रूरी है जो वो कर सकते हैं। लेकिन रशिया का ना आना, वो तो खैर हमें पता ही था वो नहीं आएंगे रशिया यूक्रेन की वजह से। चाइना का इसलिए साफ जाहिर है कि उनका इंटेंट नेक नहीं है, और मेरे को लगता है ये जो G20 जो इंडिया ने एक्चुअली लीडरशिप ली थी, अगर आप 2008 में जाएं, 2007 में जो जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय इंडिया, चाइना और ये पांच कंट्रीज को बुलाया जाता था एज अ आउटरीच प्रोग्राम। हम लोग को मेंबरशिप तब तक नहीं मिली थी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने तब बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था जो मैं पढ़ रहा था, और वो स्टेटमेंट ये था कि आपके ये जो रईस देशों के गेट टुगेदर्स होते हैं, इसमें ये गेट टुगेदर उनका शब्द है, रईस नेशनों के, इसमें भारत अगर आएगा तो वो एक पार्टिसिपेंट के तौर पे बराबर पार्टनरशिप पाएगा, हम एक पिटीशन लेके नहीं आएंगे। और वो जो चाइना था, ब्राज़ील था, रशिया था, इन्होंने इस स्टेटमेंट को बहुत अहमियत दी है। और 2008 की सबसे बड़ी हेडलाइंस थी G8 डेड एंड G20 लाइव। तो कहने का मतलब है चाइना जो अभी हमारी एक लीडरशिप देख रहा है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो हमने नॉर्थ साउथ का गैप ब्रिज कर दिया है, और खासकर जो ग्लोबल साउथ की अभी हमने लीडरशिप ले रखी है, चाइना को वो टॉलरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको पता है अभी उसके इकोनॉमिक स्टेट कैसी है, उसके ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या हालात हैं, और भारतीय सेना ने जिस प्रकार उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है,
तो इसलिए शी जिनपिंग नहीं आ रहे और वो इस उनके ना आने से वो दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो G20 थोड़ा फीका पड़ गया है, लेकिन इंडिया और बाकी जो देश हैं ये G20 को फीका नहीं पड़ने देंगे। जनरल कुलकर्णी, मैं आपके पास भी आती हूँ, लेकिन अभी अम्बेसडर वोरा से हमारा संपर्क फिर से हो गया है। अम्बेसडर वोरा, अपनी बात पूरी कीजिए। क्या आप मुझे सुन पाई थी जो मैं शुरू में कह रहा था? Were you able to hear me, ma'am? जी, अब सुनाई दे रहा है सर। All right, बहुत बहुत आभारी। मैं यही कह रहा था कि मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पर सुबह के 6:15 हैं, 17 डिग्री तापमान है। यहाँ का जो मीडिया है इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन G20। यहाँ पर दो चीजें हैं, मैम जल्दी से बता देता। एक तो है वो मैकडोनल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ट्रंप जिसको आप कहते हैं, उनके जो जेल जा रहे हैं, और दूसरा जो बाइडन साहब की जो पॉसिबल इम्पीचमेंट होने वाली है, क्योंकि उनके साहिबजादे हंटर बाइडन तरह तरह की चीजें करते रहे। ये यहाँ पर मीडिया का इंटरेस्ट है। अब बाकी अम्बेसडर जो वहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया एक्सपर्ट्स आपके स्टूडियो में हैं, और हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी सब वहाँ पर हैं, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैम, आपने G20 की जब बात की है, थोड़ा सा इसके इतिहास में चले जाते हैं। दशक और 1990s में तरह तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, पेसो क्राइसिस हुई मेक्सिको में, लैटिन अमेरिका में समस्या हुई, एशियन मेल्टडाउन हुआ, अफ्रीका के तो डेट क्राइसिस की बात हुई, फिर 2008 में अमेरिका के कारण एक ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ। तो जो दुनिया के ब्राह्मण हैं G7 जो अमीर देश हैं, उन्होंने कहा कि टाइगर लोग अब ये हमसे नहीं होता, चलिए हम कुछ और देशों को बुलाते हैं। कुछ तेल वालों को बुला लिया, सऊदी अरेबिया, UAE को, उभरती इकोनॉमीज इंडिया चाइना को बना के, तो एक क्षत्रिय क्लब बनाया कि अब हम मिलके हम झगड़ा करेंगे, जिसको हम G20 कहते हैं। जब वो इमीडिएट चैलेंजेस चली गई तो G20 का महत्व भी कम होने लगा। लेकिन भारत ने क्या किया है, चार चीजें मैं बता दूं। सबसे पहले तो इसको एक ग्लोबल मूवमेंट बनाया है, G20 से बदल के G200 जैसे मेरे कॉलीग कह रहे थे बना दिया। दूसरा, ये ग्लोबल पीपल्स मूवमेंट बना है। मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं, वहां के लोग भी जानते हैं कि G20 की मीटिंग हो रही है भारत में, और इन देशों को शायद उन मीटिंग से, उस निर्णय से फायदा होगा। तीसरी चीज मैम, हमने फोकस रखा है उन मुद्दों पर जो हमें यूनाइट करते हैं, ना कि जो हमें डिवाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं हेल्थ की, क्लाइमेट चेंज की, टेररिज्म की, सप्लाई चेन की, फूड की, इकोनॉमिक रिकवरी की, एनर्जी की, डिजिटल वर्ल्ड की, न्यू टेक्नोलॉजीज की। हमारा फोकस ये है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। पिंग पोंग टिंगलिंग जो भी चाइना वाला है ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग तब फोकस कर पाएंगे ऑन मेन इश्यूज, और खासतौर से उसने जो अभी मैप अपना पब्लिश किया दुनिया भर में, उसकी आलोचना की है। सो इतना ही मैं कहना चाहता हूं मैम, अगर आज दुनिया ने भारत को चुना है, खासतौर से विकासशील देश जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, अगर उन्होंने इंडिया को चुना है एज ए रोल मॉडल, तो मैं यही कहूंगा। चीन का सामान नहीं उठा रहे हैं, और पूरा जो पश्चिमी देश है वो भारत की ओर उनका झुकाव है। ये भारत एक ऐसा बिचौर देश है, एक तरीके से ऐसा नेतृत्व करा है कि भारत का नाम लेते ही, जैसे बात कर रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, एक युग की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसे इसमें मुझे लगता है श्वेता जी कि भारत को देखते हुए चीन को ये लगता है ये एक पुरानी सभ्यता है, लेकिन भारत हर हमेशा चीन के नीचे रहे, वो चीन भारत को मंजूर नहीं है। भारत एक अपना उसका अस्तित्व है, जिस प्रकार से इकोनॉमी आप देखिए, G20 यानी कि 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP जो है वो इसमें है, 78% ट्रेड देखिए वो इसमें है, 2/3 विश्व की आबादी देखे तो वो इसमें है, 19 टॉप मोस्ट देश देखे इकोनॉमिकली देखे, अब यूरोपियन यूनियन देखे वो इसमें है, भारत आज 5वीं रैंक पे है, वेरी सून विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ही इसमें मुझे लगता है चीन को खटक रहा है कि भारत जो है अब वो भारत नहीं रहा जिसके ऊपर वो आंख दिखा सकता था। भारत अगर विकास की बात कर रहा है सर, इसके बीच में और साथ में जो अर्थव्यवस्थाओं की हम बात करते हैं उसे देखते हुए हमें ये भी देखना होगा कि इस सब के बीच रूस और चीन ने आपस में एक ऐसा समझौता कर लिया है जो दिखाता है कि वो इस चुनौती को समझ रहा है। मतलब भले ही पारंपरिक तौर पर रूस दोस्त रहे, लेकिन आज की तारीख में क्या ये सारी चीजें केवल इत्तेफाक हो सकती हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी है, भारत में आयोजन है, व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत कोशिशें भी की गई थी कि वो आए, और शी जिनपिंग भी
इस लिहाज से बात कर रहे हैं, क्या वो केवल एलएसी का झगड़ा है या इकोनॉमी के हिसाब से भी एक झगड़ा है? देखिए, मैं समझता हूं कि G20 की अपनी महत्ता है, भारत को चेयरमैन बनना था, ये तो रोटेशन के हिसाब से बनना था। पुतिन साहब यहाँ नहीं आ रहे, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि नहीं आ रहे हैं, नहीं तो पूरा जो एक कंसंट्रेशन फोकस हर वक्ता का, हर मीडिया का होता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूक्रेन मुद्दा नहीं है। G20 का जो संदर्भ है, जो उद्देश्य है, वो है इकोनॉमिक फाइनेंशियल, उसका है विकास। और शी जिनपिंग आए ना आए वो उनकी मर्जी है, उसका भी कोई असर G20 पर नहीं है। पर चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चीन के ऊपर कुछ दायित्व है कि दुनिया की, विश्व का विकास, आर्थिक स्टेबिलिटी के ऊपर। इस समय एक बड़ा मुद्दा जो G20 के सामने है, डेट वल्नरेबिलिटी का है, और उसमें चीन उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग का आना ना आने को हमें बिल्कुल तूल नहीं देना चाहिए, मुद्दों पर जाना चाहिए और क्या आउटकम होगा। देखिए, कोई भी G20 या कोई भी बहुराष्ट्रीय संस्था बनती है तो एक विशेष परिस्थितियों में बनती है, कुछ नए मुद्दे आते हैं और उनसे डील करने के लिए उसको बनाया जाता है। 2008 में G20 पहले भी था, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल पे उसको समिट लेवल पे किया गया, फॉरेन एक्सचेंज पर, और उन्होंने बड़े अच्छे निर्णय लिए जिससे कि विश्व की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आया और स्टेबिलिटी आई। पर ओवर टाइम G20 ने अपना फोकस बिल्कुल लूज कर दिया है। आप, मैं किसी से भी पूछता हूं कि एक साल पहले बाली में जो भी रिजल्ट आया, क्या हम में से एक भी रिकॉल कर सकता है कि वहां क्या रिजल्ट आया? जो G20 एक एस्पिरेशनल संस्था हो गई है, हम ये करना चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं कि हम क्या करेंगे, क्या कोई नंबर्स है। मैं चाहता हूं कि भारत की प्रेसिडेंसी में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बड़े आउटकम फोकस्ड है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भाई क्या मुद्दा निचोड़ के क्या आना चाहिए, तो G20 जनरल असेंबली की तरफ ना चला जाए कि जो 120 मुद्दे जनरल असेंबली में डिबेट होते हैं, वो यहाँ भी 15 एस्पिरेशनल ग्रुप हैं, 9 एंगेजमेंट ग्रुप हैं, पर आउटकम अभी तक मैंने जितने स्टेटमेंट जहाँ उनके आए हैं कि साहब डेट क्लाइमेट के लिए जो $100 अरब दिया जाएगा, हम $50 अरब देंगे, अवश्य देंगे, क्रिप्टो करेंसी पर हम ये करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये करेंगे, ऐसा अभी तक कुछ मैं समझता हूँ कि शायद हमारे सब शेयर पर लगे होंगे, और जो आउटकम जो निकलेगा उसमें कुछ रिजल्ट्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ डायरेक्शन होगी, ये नहीं कि केवल एस्पिरेशन है कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और जो कॉमनवेल्थ का हुआ, जो जनरल असेंबली का हुआ, और मैं समझता हूँ कि जो SCO का भी हो रहा है हाल, वो G20 का ना हो जाए। हमें चेयरमैन होने के नाते इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियरली डायरेक्शन दिया है, मानव केंद्रित विकास होना चाहिए, मानव केंद्रित, टेक्नोलॉजी केंद्रित नहीं, अर्थव्यवस्था केंद्रित नहीं, मानव केंद्रित। और उन्होंने 4 क्लाइमेट चेंज पर कुछ कॉन्क्रीट आउटकम आ सकता है, डिजिटल इकोनॉमी पर और गवर्नेंस पर मैं समझता हूँ भारत की तरफ से कोई बहुत कॉन्क्रीट ऑफर आएगा सब ग्लोबल साउथ के लिए कि हम अपना जो भी आधार है या रुपए है या हम फ्री सबको देने के लिए तैयार हैं। ये वेस्ट को शर्म करने के लिए है उनको कि वो 50 अरब देने का उन्होंने वादा किया था, कुछ नहीं दिया एक पैसा, पर भारत ये सब करने को तैयार है। जेंडर पार्टिसिपेशन पे कुछ हो सकता है, और देखिए जो आगे विश्व मानव जाति के सामने सबसे बड़ा संकट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेगा पर मानव जाति को, एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल खत्म कर सकता है। सब देशों को बहुत आवश्यक है कि बहुत ध्यान से इसको देखें, कंपनीज इसको ड्राइव कर रही हैं, कंपनीज का तो प्रॉफिट मोटिव है, वो तो हजारों करोड़ ये चांद पे जा रहे हैं, ये सब जो हमारे बड़े बड़े मस्क वगैरह, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ के लिए बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज, विश्व की नब्ज समझते हैं, वो गरीबों के लिए बोलते हैं। और आर्टिफिशियल, अगर हमारे इतने यंग जवान यूथ हैं, उनकी जॉब्स का क्या होगा? इसके ऊपर कोई कंपनी काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट्स को काम करना होगा। मनी इज हार्टलेस, प्रॉफिट इज हार्टलेस, कंपनीज आर हार्टलेस, गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे भारत की है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि और सब देशों के साथ मिलकर ये मानव के जाति के सामने जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे कैसे डील करना है उस पर बात करें, ये नहीं कि और जब हजारों मुद्दे हैं जिन पे बात चलती आई है चलती रहेगी। नहीं, सही बात आप कह रहे हैं, और क्योंकि जब बाली इंडोनेशिया में जब ये संपन्न भी हुआ उसके बाद से अब तक अगर वाकई उसकी कोई सुर्खियां तलाशेगा तो केवल ये समझ में आएगा कि भाई तीन बार तीन पैरा में वॉर का जिक्र था, उसे लेकर आपत्ति हुई। लेकिन ये G20 का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, G20 का मुख्य उद्देश्य अलग होता है। और इसीलिए बलराम सिंह जी, आप बॉस्टन से हमारे साथ जुड़े हैं, अमेरिका की कोशिश अलग रहती है। अभी जब भुटोरिया साहब भी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा हम तो चाहेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वहां पर मुद्दा उठाया जाए, लेकिन विश्व की जो जरूरतें हैं, जिस अर्थव्यवस्था की और जिन आर्थिक विकास की बात हम समूचे विश्व में उस ग्लोबल साउथ की या फिर अफ्रीकन यूनियन को यहां पर लेकर आने की बात करते हैं तो वो जरूरतें बदल जाती हैं विश्व की। जी, ये समय के साथ चीजें बदलती हैं। जैसे कि अभी पिछले वक्ता ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस बना, जनरल असेंबली बनी, G7 बना, G8 बना, ये से बनते रहते हैं और ये फिर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मुझे G20 में ये खास करके जो भारत की इस समय नेतृत्व है उसके साथ इसकी इसके वैल्यू भी बदले जा सकते हैं ऐसा लगता है। अमेरिका में अमेरिका सबसे आगे इस समय दादा है बेसिकली, और वो ध्यान भी नहीं, ऐसे कहने के लिए वो ध्यान भी नहीं दे रहा है G20 में क्या, क्योंकि जैसे रोम में हुआ करता था पहले जमाने में, बहुत पुरानी बात है ये, कि जब राजा बैठता था वो क्या रेसलिंग करवाता था, जनता को इधर उधर लगाता था कि जनता उसके ऊपर ध्यान न दे। तो अमेरिका जो है ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऐसे ध्यान दे करता है कि नहीं मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। तो अमेरिका में, लेकिन अगर आपको देखना है तो अमेरिका में यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन चूंकि इनका डॉलर चलता है इसलिए ये सब कुछ चलता है। लेकिन अगर भारत को देखें, और अमेरिका में एक तरह की एक बात और बताना चाहते हैं, इसमें इंडिया अमेरिका के दिमाग में है, खास करके आप लोगों ने सुना होगा विवेक रामस्वामी जो है पिछली उनकी जो डिबेट थी वो उसमें सफल रहे हैं, तो और भी उनका फोकस है, अमेरिकन लोगों का फोकस भारत पे, कि उसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो आप योग को देखें, आयुर्वेद को देखें, या कि यहाँ पे जो हम लोग NRI लोग आए हुए हैं उनका आप 22 CEOs मेन जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां CEOs हैं, तो इंडिया के ऊपर ध्यान है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये नारा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें हमको इधर उधर नहीं करना चाहिए कि इसका मतलब ये हो सकता है वो, इसका मतलब अगर चाइना को प्रॉब्लम है तो चाइना को प्रॉब्लम है। आई कैन टेल यू मैं चाइना ताइवान गया हूँ और वहां पे मैंने देखा है चाइनीज लोग, यहाँ तक कि चाउन लाई ने प्रधानमंत्री नेहरू को बोला था कि भारत का नाम चाइनीज नाम जो है वो है जितियन बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि पश्चिमी स्वर्ग, इसको भारत को वहां के लोग मानते हैं। ये सी जीपिंग क्या बोले क्या करें इसे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन जो बात मेन चीज ये है कि जो ये G20 अर्थव्यवस्था के लिए चला था, और अर्थव्यवस्था अर्थ का मतलब अर्थ होता है, अर्थ का मतलब मीनिंग होता है, अर्थ का मतलब मनी नहीं होता है, तो इसको जो मनी से जोड़ दिया गया है इसमें हमको लगता है कि एक सटल रूप से भारत ने ये जो अभी इस समय जो इनका व्यवहार है सारी दुनिया को जोड़ने का और अपने एक्शन से जोड़ने का, मीन जब कोरोना आया तो वैक्सीन सारी दुनिया में गरीब देशों को देने के लिए भारत ने जो पहल की, अपने लोगों की रक्षा की, दूसरों की भी की, वो बहुत जबरदस्त चीज है। ये समय इत्तेफाक है ऐसा कि समय ऐसा आ गया है कि भारत में अभी चंद्रयान वहां पे जाके लैंड कर गया है, भारत का भी रिपोर्ट आई थी कि ग्रीन एनर्जी का जो गोल था वो भारत ने पूरा किया हुआ है। तो इसको कहने का, जब आपने कुछ किया हुआ, यहाँ पे सिर्फ ये बात करने के कहने वाली नहीं है, आपने करके दिखाया हुआ है, तो लगता है भारत का एक इस समय दबदबा बन रहा है। जी, लेकिन एम्बेसडर डोगरा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी जरूरतें भी, केवल हम इकोनॉमी की ही नहीं बात कर रहे हैं बल्कि जिस सस्टेनेबिलिटी का भी जिक्र बलराम जी ने यहाँ पर किया है, ये चीजें पृथ्वी की आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता है, पर क्या ये कहीं पृष्ठभूमि में चली जाती है और क्या भारत इन्हें फोरग्राउंड में रख पाएगा? मैं काफी देर से आपके प्रश्नों की तरफ ध्यान दे रहा था, जैसे देता हूं हमेशा, और जो वक्ताओं के वक्त थे या बयान थे
उनको भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। चीन, शी का आना या ना आना, और दूसरी चीज जो आपने एक सवाल पूछा था बीच में कि हिंदुस्तान के अंदर इसकी कितनी जागरूकता है G20 की, तो पहले तो इन दो का मैं जवाब दूं। मेरा यहाँ आना जरा मुश्किल था क्योंकि मैं एक गोष्ठी में था और काफ़ी लंबी समय से उसकी कमिटमेंट थी, पर आपकी टीम का आग्रह ऐसा था कि मैं हिचकिचा रहा था कि वहाँ रहूँ या यहाँ आऊँ, तो फिर आखिर में मैंने ना तो कर दी थी। तो जब उनका बार बार फ़ोन आया तो मैंने कहा भाई मैं अभी लंच खा रहा हूँ, चीनी लंच है, तो कहते अब तो बिल्कुल ना आप खाइए, वो नहीं आ रहा तो आप लंच खा रहे हैं चीनी। सो मैं यहाँ आ गया, पर जैसे मैं आ रहा था मैं सोच रहा था कि मैंने तो ना ना करते हाँ कर दी, हो सकता है शी भी ना ना करते हाँ कर दें, तो अभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं आएंगे। अगर वाकई नहीं आए तो उसमें हमारा इतना नुकसान नहीं है, भारत का इतना नुकसान नहीं है जितना उनको अपॉर्चुनिटी लॉस है, क्योंकि यहाँ आएंगे तो फोकस बाइडेन और शी के ऊपर रहेगा, उनकी मीटिंग्स को, शी की मीटिंग्स प्रधानमंत्री के साथ, दूसरे लीडरों के साथ, वो करोड़ों लोगों तक वो जाएंगे। अगर वो नहीं आए तो कई तरह की अटकलें लगेंगी, जैसे हम अभी भी लगा रहे हैं कि वो रूठे हुए हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, या उनके कुछ तबीयत खराब है। सो इस टाइप की अटकलों से उनको फ़ायदा नहीं है। आएंगे तो अतिथि देव भय, जो भारत की संस्कृति है, वो होगा, नहीं आएंगे तो लॉस ज़्यादा उनका है। दूसरा सवाल जो आपका था कि भारत के अंदर इसकी कितनी जागरूकता है, कोई 6 महीने पहले मैं पुणे और कुछ दूसरे सिटीज़ में गया था लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ कभी ड्राइवर से, कभी जो मेरे को रिसीव करने आए थे उनसे मैं पूछ रहा था कि भाई G20 के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कहते देखिए 320 में तो हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो अभी भी जो मैच हो रहे हैं हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब G20 का 6 महीने पहले कुछ ऐसा प्रचार नहीं था, पर अभी हाल में जब मैं बाहर जाता हूँ या दिल्ली में भी किसी से पूछता हूँ तो G20 की उत्सुकता, उसमें क्या डेवलपमेंट है, कौन आ रहा है, क्या रिजल्ट होगा, क्या दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन है, इसमें इंटरेस्ट हो गया है। तो इन ए वे इंडिया हैज़ बिकम इंटरनेशनलाइज्ड, इंडियाज होस्टिंग ऑफ G20 हैज़ बिकम ए कॉमन कॉज और अ मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नॉट कॉज, कॉज इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। नाउ कमिंग टू आपने जो अभी सवाल पूछा कि ये जो मुद्दे हैं इनको कैसे देखा जाए, देखिए जब कॉन्फ्रेंस होती है और आपके टेबल पे जो बैठे हुए हैं मेरे साथी वो भी शायद इसी से इत्तफाक करेंगे, जब कॉन्फ्रेंस होती है तो एक एक्साइटमेंट होती है, कॉन्फ्रेंस से पहले एक्साइटमेंट होती है, कॉन्फ्रेंस में भी एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं हम कुछ ऐसी अर्थ शेकिंग डिसीशंस लेंगे कि दुनिया का रंग रूप नक्शा बदल जाएगा। वो जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो हमारे जैसे जो अटेंड कर रहे होते हैं वो तो थक के घर चले जाते हैं और बाकी जो है नई सुर्खियों की तलाश में होते हैं। सो हमको इतना ज़्यादा इससे कुछ एम्बिशियस रोल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल रोल अडॉप्ट करना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल रोल में हमको सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि आर्थिक स्थिति किसी भी देश की दुनिया में इतनी अच्छी नहीं है कि वो दूसरों की मदद कर सके, अपनी मदद कर सके वही बहुत है। तो अगर कोई मिनिमम सा प्रोग्राम जो प्रैक्टिकल हो, ये नहीं कि जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट ने कहे पर हुआ कुछ नहीं, सो ऐसे ख्याली पुलाव ना हो, जो हो सकता है मिनिमम प्रोग्राम वो कर सके, और दूसरा ये है कि मतभेद ज़्यादा ना हो, अगर चीन के ना आने से मतभेद कम हो सकते हैं तो और अच्छा। हमारे साथ जो कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं अलग अलग देशों से, हम उनके पास भी एक एक करके अब चलते हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हैं, UAE से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
प्रोफेसर दाऊदी, किस तरीके से यूएई में इस इनवाइट को देखा गया, कैसे, क्या वहां पर इस बात को लेकर एक्साइटमेंट है, क्या उत्सुकता है कि क्या होगा, कैसे होगा? देखें, आपके तमाम सवालों को मैं सुन रहा था और ये तमाम सवाल जो है बहुत जमीनी इसकी जो हकीकत है उससे जुड़ी हुई हैं और आपके जो व्यूअर्स हैं इन तमाम का इंटरेस्ट इस तरीके के सवालों में है। अब चूंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय तमाम एक्सपर्ट्स को अलग अलग जगहों से यहाँ पे बिठाया है, तो आप अगर मिडिल ईस्ट की या गल्फ की बात करें तो देखिये यही तो खास बात है जो इस साल हिंदुस्तान ने भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में साबित किया है कि जो G20 अब तक कहीं ना कहीं एक टेस्ट मैच की तरह चल रहा है। आप देखें कि बहुत सी कभी उसमें धीमी गति, कभी उसमें बहुत से वादों का पूरा नहीं होना, एजेंडे का सही तरीके से उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं होना, उस G20 को भारत ने इस बार T20 की तरह खेला है। भारत को ये पता था कि कैसे इस एक साल की प्रेसिडेंसी को उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और अभी हमारे कुछ एक्सपर्ट जो कह रहे थे, मैं यूएई पे भी आता हूँ, मिडिल ईस्ट पे भी आता हूँ, कुछ एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारत ने अपने 140 करोड़ भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। मैं कहना चाहता हूँ इसके अलावा ये भी हुआ कि पूरी दुनिया को भारत के इस जमीन पे भी इस G20 के जरिए भारत ने बहुत स्मार्टली रखा और ये एक ग्लोबल साल बन के रह गया, गोल्डन ईयर कह सकते हैं, गोल्डन ईयर बन के रह गया, ग्लोबल एक जो सिचुएशन बनी वो कैसे। सबसे पहले आपने देखा कि कैसे हम अभी आजादी के अमृत महोत्सव के काल से गुजर रहे और वैसे में इसी साल इसी महीने कुछ दिनों पहले हम चांद पे भी अपने तिरंगे को पहुंचा के आए और जब ये G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली थी दिसंबर में, हमें पता था कि वक्त बहुत कम है और किस तरीके से इस G20 को T20 करते हुए G200 तक, अभी वोरा साहब भी कह रहे थे, दूसरे भी जो पैनलिस्ट थे कह रहे थे कि 200 मुल्कों को, हम ये जान रहे हैं कि कैसे इसका जो थीम भी स्मार्टली सिलेक्ट किया गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अब उसको थीम को सही तरीके से साबित करने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी तो करनी पड़ती है। हमने वैक्सीन मैत्री का जो काम किया, साथ में आप देखें कि लगभग 125 ऐसे कंट्रीज को उनके व्यूज लिए गए और कैसे ये G20 जो आप देखें इसमें लगभग 19 मुल्क और यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करते हैं, 125 और कंट्रीज को उनके व्यूज को लेना और इसको पूरा ग्लोबल बनाना और जो उन मुद्दों पे जो हमारी जमीनी मुद्दे से जो रोज की आर्थिक के मुद्दे जुड़े हुए हैं, चाहे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, टेक की बात करें, कैसे इस G20 से दिल्ली के अंदर इसको करके और इस तरीके से करके पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को इसकी समझ आ सके और कैसे उन तक ये बात पहुंचे कि ये G20 जो बहुत से लोग G7, G20, आप ब्रिक्स की बात करें नहीं जानते थे, इन तुम तमाम ग्लोबल मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का काम हुआ और आज बहुत से लोग पूरी दुनिया ही में नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तान के अंदर गांव का जो एक मुल्क होता है, जो हमारा हिंदुस्तान फार्मर्स का एक मुल्क है, वहां तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश हुई और इसमें कामयाबी मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि इस तरीके से इसको प्लान किया गया और कैसे उन तमाम लोगों तक पहुंचे। देखिए जियो पोलिटिकल बातें तो अभी मैं और करूंगा, थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा, लेकिन मैं इसका फायदा ये कह रहा हूं कि अगर ये तमाम चीजें हमारे मुल्क के अंदर हमारे 140 करोड़ भारतीयों को भी तमाम लोगों तक ये पहुंचे, इसकी अहमियत का अंदाजा हो कि दुनिया में किस तरीके से भारत एक कामयाबी की तरफ जा रहा है, कैसे ग्लोबल साउथ का लीडर, कैसे पूरा एक प्लेयर बनता जा रहा है पूरी दुनिया के पटल पे, ये बहुत अहम है। और मैं आपके आज तक के जरिए उन तमाम व्यूअर्स को जो खास तौर से हम आपके कॉमेंट्स को भी पढ़ते रहते हैं, उसमें देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें G20 में कितने कंट्रीज हैं उसका अंदाजा नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं G7 में कितने कंट्रीज है। आज तक के इस चैनल के जरिए मैं आपके उन तमाम व्यूअर्स को भी आज के इस मौके पर बताना चाहूंगा कि अगर वो सिर्फ 5 ऐसे वर्ड्स को समझ लें और वहां तक ये बात चली जाए तो पूरे 20 उन कंट्रीज का नाम भी याद कर सकते हैं और साथ साथ ये समझ सकते हैं कि आज
9 और 10 सितंबर को कैसे पूरी दुनिया के वो तमाम लीडर्स, चले एक दो लीडर्स नहीं भी आएंगे, लेकिन वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उन G20 कंट्रीज के, और जो हमारी गेस्ट लिस्ट है उस गेस्ट लिस्ट में आप जैसे आपने तमाम उन कंट्रीज का नाम भी लिया, खास नाम मैं लेना चाहूंगा, आपने यूएई का बात किया, यूएई एक बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर रहा है हिंदुस्तान का, सऊदी अरब एक बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही स्ट्रॉन्गर पार्टनर रहा हिंदुस्तान का, इजिप्ट को हमने देखा है कि किस तरीके से अभी हमारे 26 जनवरी के मौके पे वहां के सदर अल-सीसी पहुंचे, ओमान का वहां पे आना, ये तमाम चीजें क्या मैसेज देता है। आज हमारे हिंदुस्तान में बैठे तमाम लोग ये देख पाएंगे कि कैसे ये दिल्ली के अंदर जो एक दुल्हन की तरह सजेगी और कैसे पूरी दुनिया से लोग वहां आके हमारी खूबसूरती को, हमारे कल्चर को देख पाएंगे। प्रसून शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं चाइना सेंटर इंडिया ग्लोबल के। प्रसून जी, हम बहुत यहाँ पे चर्चा शी जिनपिंग की कर चुके हैं, आपका भी मैं आकलन जानना चाहती हूँ कि जिनपिंग क्यों कंफर्म नहीं कर किया है उन्होंने अभी तक कि आ रहे हैं। आई थिंक वो खुद डिलेमा में है, और जो भारत की उभरती भूमिका है उससे कहीं ना कहीं उनपे प्रेशर है, और भारत ने अपना स्टैंड ग्राउंड पे पॉलिसी में और डायलॉग में दोनों में ही बहुत फर्म रखा है चाइना रिलेटेड मैटर्स में, तो मुझे लग रहा है इस वजह से। और अगर वो नहीं आते तो ये एक तरह से उनका डिप्लोमेटिक फॉक्स या गलती रहेगी, क्योंकि जिस इससे पूरे विश्व पटल में ये मैसेज जाएगा कि जो भी एंटी चाइना फोर्सेस हैं या जो चाइना की विस्तारवादी नीति है उसको कंसोलिडेशन के साथ लड़ना पड़ेगा, और ये G20 यूएन जनरल असेंबली से बिल्कुल पहले हो रहा है, और जो कि शायद 18 सितंबर से यूएन जनरल असेंबली स्टार्ट होगी, तो भारत की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी इसमें कि अगर एशिया में बैलेंस या रीबैलेंस क्रिएट करना है तो यूएनएससी खासकर को रिफॉर्म करना पड़ेगा और भारत को उसको उसमें लाना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ से ही चीन की लीडरशिप डिलेमा में है आने के लिए या नहीं आने के लिए, पर दोनों ही सिचुएशन में भारत को बेनिफिट मिलेगा वो अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भी। तो ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी, और भारत के लिए भारत ने बहुत स्ट्रेटेजिक वे से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। अगर आप अभी मल्टीलैटरल फोरम्स ब्रिक्स में देखिए तो, और अब G20 में भारत एक एज अ होस्ट उसको जो विश्व के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके लीडर्स को होस्ट करेंगे, और ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, जैसे अगर आप स्पेस में अभी जो भारत का जो सक्सेस रहा है चंद्रयान के थ्रू, जो कि इटसेल्फ एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ एक मार्केट खोलती है भारत के लिए, हमारा जो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग में जो डिस्कशंस हो रहा है और ग्लोबल साउथ की जो वॉइस बनके भारत उभर रहा है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 को उन्होंने ही प्रपोज किया कि एशियन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया जाए, तो ये सारे ही ओवरऑल मुद्दे भारत की स्थिति मजबूत करते हैं, और आगे आने वाले टाइम में भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक बड़ा रोल की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अली मुस्तफा, जो कि इस्तांबुल तुर्की से हमारे साथ जुड़े हैं, जब अभी हाल फिलहाल भूकंप आया था तुर्की में, उस समय भारत तुर्की जाकर वहां पर अपनी एक मदद का हाथ बढ़ाना हो, या फिर विश्व के अलग अलग देशों से जिस तरीके से दोस्ती की जा रही है इस समय तुर्की में, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति एर्दोगन क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़े तरीके से G20 के मंच पर उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, और एक बड़ी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आई है तुर्की या तुर्की और भारत के जो रिलेशंस हैं उसमें। याद रखें कि तुर्की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है OIC, उसके अंदर कश्मीर कांटेक्ट ग्रुप का भी सरबराही करता है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल के अंदर
जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं तुर्की और भारत में, वो 2015 में खड़ी थी तकरीबन $7 अरब पे, अब वो आ गई है तकरीबन $12 अरब के करीब, जिसके अंदर तकरीबन $10 अरब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है तुर्की को, दूसरी जानिब से तुर्की एक्सपोर्ट कर रहा है तकरीबन $2 अरब के लगभग। मगर इस पूरी जो आपकी कॉन्वर्सेशन और गेस्ट जो आपकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर चाइना और रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसके ऊपर बड़ी चर्चा और बात हुई है। और जब रशिया और यूक्रेन की जंग की हम बात करते हैं तो उसका तुर्की का उसके अंदर बड़ा एक वाज़े किरदार रहा है, दोनों तरफ से एक बड़ा ही न्यूट्रल किरदार रहा है। और इसलिए मेरे ख्याल से G20 तो अपनी जगह एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है हिंदुस्तान के लिए उसको होस्ट करना, मगर जो स्पेसिफिकली रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर न्यूट्रलिटी अपनाई है हिंदुस्तान ने या भारत ने, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर। और मैं आपका एक थोड़ा रुख लेके जाना चाहूंगा इसके इस मौजू के ऊपर कि बेसिकली जिस दिन ये जंग शुरू हुई 24 फरवरी 2022 को, मैं उस दिन ज़ापोरिज़्या डनीप्रो रिवर के साथ एक शहर है यूक्रेन में, उधर मौजूद था। और जंग शुरू हुई, रशियंस ने अटैक किया, कीव की तरफ आए वो, और साथ साथ ही जिस तरह ये बात आगे बढ़ रही थी तो हमें खबर आना शुरू हुई मॉस्को से कि जी उस वक्त के जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे इमरान खान साहब, वो रशिया में मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ हाथ मिला रहे थे, तस्वीरें भी आई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस मुलाकात के फौरन बाद एक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डोनाल्ड लू साहब की मुलाकात होती है मेरे ख्याल से चंद हफ्तों बाद, वो जो विजिट हुई है एक माह बाद डोनाल्ड लू साहब की मुलाकात होती है पाकिस्तान के जो सफीर थे उस वक्त असद मजीद साहब वाशिंगटन DC में। और डोनाल्ड लू साहब एक मैसेज देते हैं, डिलीवर करते हैं असद मजीद साहब को कि जी हमारी रिलेशनशिप आपके साथ आगे तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक इमरान खान साहब आपके प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि जो उनकी रशिया की जो विजिट थी यूक्रेन की जंग की शुरुआत के ऊपर, इसको वाशिंगटन DC बिल्कुल कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर आपके इमरान खान साहब अपनी प्रधानमंत्री पोजीशन से हट जाते हैं तो शायद हम सब कुछ माफ कर दें, यानी ऑल विल बी फॉरगिवन। अच्छा, ये तो उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद असद मजीद साहब जो उस वक्त आपके एम्बेसडर थे, उन्होंने एक साइफर या एक कोडेड मैसेज भेजा एम्बेसी से अपने सफारत खाने पाकिस्तान में, और उसके बाद एक बड़ा ही हलचल मच गई पाकिस्तान में। आपके आर्मी चीफ ने एक पोजीशन ली उस वक्त जो बाजवा साहब थे आपके आर्मी चीफ, अगेंस्ट इमरान खान साहब के, जी हम तो अमेरिका के साथ हैं, रशिया की जंग यूक्रेन के बहुत, रशिया ने बहुत बुरा किया जंग छेड़ के दोबारा, और हमारा जो फ्यूचर है वो एक फ्री अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है। मैं इन सब चीजों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, आजकल जो सूरत हाल है भारत के साथ में पाकिस्तान में, वहां पे $1 अब तकरीबन 320 या 325 का हो चुका है, पेट्रोल की कीमत 300 रुपए पर लीटर पे जा चुकी है, एक इकोनॉमिक टर्मोइल हो चुका है बिल्कुल। तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो करीब हैं, मगर जो शुरुआत हुई उस प्रोसेस के बाद, उस साइफर के बाद, जहां पे इमरान खान साहब की हुकूमत को दस्तबरदार कर दिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनकी पार्लियामेंट के अंदर, और अब ये सूरत हाल है कि जी एक आर्मी लेड एक डिस्पेंसेशन इक्तदार में है इंटरिम, उसके ऊपर वो इलेक्शंस भी नहीं करा रही। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जो एक नॉन अलाइंड पोजीशन है दुनिया में, वो हमें बताती है कि आप अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए दुनिया में काम कर सकते हैं, इकोनॉमिकली अपने आप को बढ़ाव दे सकते हैं। अगर आपने किसी भी एक साइड को चूज किया, जैसे पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में आपको अलाइन किया, तो उसकी वजह से उसकी जो अपनी इंटरनल डायनामिक्स थी वो बिल्कुल बिगड़ गई। और रशिया यूक्रेन वॉर इसका एक बहुत ही क्लासिकल एक एग्जाम्पल है। और आगे जाते हुए अगर भारत अपने आप को एक ग्लोबल साउथ की आप बात कर रहे हैं उसमें मजबूत देखता है, उसमें एक पिलर देखता है, चाइना के साथ उसके इख्तलाफात जरूर मौजूद हैं और ममालिक के साथ भी होंगे, तो उसको एक ऐसी पोजिशन लेनी होगी, अडॉप्ट करनी होगी जिसमें उसका जो नेबरहुड है, इमीडिएट नेबरहुड है, अगर उसमें तो आग लगी हुई है बिकॉज ऑफ अलाइनिंग विद वन पावर और अनदर, तो भारत कैन नॉट ट्रूली इमर्ज एज ए ग्लोबल
पावर या जो सुपर पावर की जो उसकी एस्पिरेशंस है उसके अंदर जब तक वर्ल्ड डिप्लोमेसी में क्या करना है या क्या नहीं करना है उसकी ज्यादा बड़ी मिसाल, क्योंकि केवल पहुंचे नहीं थे वो रूस बल्कि ये कहा था कि बड़े ऐतिहासिक दिन, बहुत ही हिस्टोरिकल डे मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, कम से कम अगर आपका दौरा है भी वहां का। सिंगापुर से हमारे साथ तरुण गुप्ता हैं। तरुण जी, सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर को भी न्योता यहां पर दिल्ली में आने का, सिंगापुर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी तारीफ भी की थी जब वो वहां पर गए थे पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वहां से सीखने की बात भी उन्होंने कही थी, सिंगापुर में इस आयोजन को कैसे देखा जा रहा है इस समय, क्या G20 को लेकर कुछ चर्चा है? थैंक यू श्वेता जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में एक बहुत एक कोजी रिलेशनशिप बना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इंडिया की लीडरशिप इंटरनेशनली काफी बड़ी है। आई हैव बीन टू कपल ऑफ लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन डायस्पोरा एंड ऑल, आई वाज आल्सो देयर। वन ऑफ द थिंग्स इन्होंने अभी रिसेंटली जो बोला था, आई थिंक दैट इज व्हाट इज रेजोनेटिंग टू एवरीवन इन सिंगापुर। कुछ कोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भेजे हैं रिसेंटली, दे हैव बीन इन इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी लेवल जो डिस्कशन है उसके बारे में भी मैं कोट करना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आई थिंक G20 में मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, विच इज saying that we should urge that our discussion should be focused on most vulnerable citizens of the world. And I think that's what sari cheezon ka saar yahin pe aata hai ki most vulnerable citizens hote hain. Again, that can be medicine, that can be with terrorism and so many different aspects. And agar aap wapas ja kar ke dekhenge how Singapore is very, very important is pure G20 summit mein. Singapore baar baar is summit mein aata hai. And one of the important reason is इट्स अ कन्वेयर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप जो कि करीबन 30 नेशंस हैं, जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज मेंबर्स हैं, जिनके अंदर जो परमानेंट मेंबर्स नहीं है उनकी आवाज उठाता है G20 में, एंड काफी सालों से कर रहा है एंड कंटिन्यूसली दे कीप डूइंग इट। एंड दिस टाइम ऑल्सो सिंगापुर गवर्नमेंट ने थैंक किया है मोदी गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट को फॉर इन्वाइटिंग देम ओवर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सब ने एक ही बात बोली है, आई थिंक ऑल द पैनलिस्ट अग्री कि इट्स वेरी वेरी एसेंशियल हम उन वीकर लिंक्स और उन लोगों को जिनको जो मोस्ट वल्नरेबल है उनकी सेवा करें, उनको हेल्प करें, बिकॉज उनके अपब्रिंगिंग के बिना, उनको उठाए बिना देयर इज नो पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग इकोनॉमिक्स। एंड आई जस्ट वांट टू कोट समथिंग व्हाट मिनिस्टर फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में जो मार्च 2023 में हुआ था, एंड दे मेंशन यू नो डिजिटल रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटी टेररिज्म कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज जो कि मोदी जी ने बहुत सालों से चलाते आ रहे हैं इस चीज को, आई थिंक जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया का, दे हैव पुट अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन इट। पैंडेमिक रिस्पॉन्स हमने देखा था विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक सिंगापुर ऑल्सो हेल्प अदर नेशंस नियर बाय, उन्होंने भी काफी हद तक वैक्सीनेशन डोनेट किए थे, इकोनॉमीज में बहुत कुछ बात हो रही है। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज स्किल डेवलपमेंट। I'm in Singapore almost 8 साल से मैं यहाँ हूँ, and I have seen Singapore skills के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, and that is where I think India and Singapore are going together and helping these 30-40 nations differently is very very important. I think हर महीने हम कुछ ना कुछ G20 के बारे में देखते रहते हैं from media perspective, and there's a lot of excitement here at least from the government side, and they are talking something very very important. Which personally for me है कैसे हम उन vulnerable लोगों को ऊपर उठाएं, and that can only happen with skill sets, digital revolution and all those things. One of the classic examples of digital revolution was how we integrated our payment gateways between countries, India and Singapore के बीच में आज आप पैसे transfer कर सकते हो। बहुत सारे Indians हैं यहाँ पे जो बहुत छोटे level की jobs पे भी करते हैं, high skills पे भी job करते हैं, उनके लिए ये transactions बहुत बहुत importantly matter करते हैं। So I think it's very very important what Singapore would definitely see is how are we actually helping them go and get that voice out from all those 30 countries which are medium and small countries का bridge एक बहुत बहुत important factor रहेगा। और हमारे जो आखिरी पैनलिस्ट हैं आपकी मतलब मैं आपके पेशेंस के लिए आपको शुक्रिया भी कहूंगी और ये भी कहूंगी कि बहुत माफी के साथ आप तक आ रही हूं, शोभन सक्सेना। वैसे भी जो प्रेसिडेंसी है वो भारत से ब्राजील को ही जानी है,
आप ब्राजील में इस समय मौजूद हैं और ब्राजील ने अभी तक जितने भी जो अलग अलग पार्टिसिपेशन हुए हैं G20 के अलग अलग शहरों में, उसमें यही चीज कहा है कि एक एक्शन ओरिएंटेड एफर्ट, जो हम यहां पर चर्चा करते हुए जिस मुद्दे को उठाया भी था कि केवल मुद्दों पर बातचीत नहीं करनी है बल्कि कुछ एक्शन क्या निकलकर वहां से आएगा या नहीं, वो जिम्मेदारी भी आखिरकार इस समिट के साथ ब्राजील पर ही आनी है। शोभन जी। श्वेता जी नमस्कार, आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को, सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं यहाँ साओ पाउलो ब्राजील में हूँ, सुबह के अभी 7:30 बजे यहाँ पे। सर्दी का मौसम है और 12 डिग्री के करीब यहाँ टेम्परेचर है। इस ब्राजील में जो खबरें आ रही, जो मीडिया में छप रहा है खबरें पिछले कुछ महीने से, बहुत उत्साह है G20 की मीटिंग को लेकर, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा शुरू में कि ये इंडिया मोमेंट है, ये साल इंडिया मोमेंट रहा और अगले साल ये ब्राजील का मोमेंट रहने वाला है, क्योंकि कम से कम 20 मीटिंग्स यहाँ पे होंगी रियो डी जनेरो में, और जो समिट भी होगी वो रियो डी जनेरो में होगी अगले साल नवंबर में। मैं पिछले 12 साल से ब्राजील में रह रहा हूँ और भारत से खबरें बहुत कम आती हैं यहाँ पे, और जो खबरें आती हैं ज्यादातर वेस्टर्न एजेंसीज के थ्रू या वेस्टर्न पब्लिकेशंस के थ्रू आती हैं, और अच्छी खबरें बहुत कम आती हैं। लेकिन पिछले कुछ 6-7 महीने से जितना कवरेज मैंने देखा है भारत के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डेलीगेशन गए हैं, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, वित्त मंत्री, कल्चर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, सभी मिनिस्टर भारत जा चुके हैं, हर जगह दूसरे कई विभिन्न शहरों में जहां जहां मीटिंग्स हुई हैं, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी गए हैं। और अभी जो समिट होने वाली है 8-10 तारीख को, बहुत बड़ी मीडिया टीम यहाँ से जा रही है, तो कवरेज बहुत ज्यादा मिलेगा और भारत के बारे में और G20 के बारे में बहुत उत्साह है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि भारत और ब्राजील के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, खास करके जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स है, इप्सा है, बेसिक है, G20 है, और G4 करके ग्रुप भी है, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान का, कि जो कंट्रीज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बनना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है भारत और ब्राजील के बीच में। और पिछले 2-3 सालों में जो हमारा व्यापार है, ट्रेड है भारत और ब्राजील के, वो भी काफी बढ़ गया है, करीब $15 बिलियन का ट्रेड हो गया है। अभी जो यहाँ पे जो सरकार की तरफ से वक्तव्य आए हैं और जो मीडिया में खबरें छप रही हैं, प्रेसिडेंट लूला जो जा रहे हैं, भारत पहुंचेंगे शुक्रवार को, 8 तारीख को वो पहुंचेंगे, और 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी उनको G20 की प्रेसिडेंसी पास ऑन करेंगे। तो जिन मुद्दों पे जो बात करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि ब्राजील में एक्शन ओरिएंटेड की, एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, वो 3 या 4 मुद्दे हैं जो उठाना चाहते हैं भारत में और अगले साल जब ब्राजील में होगी G20 की मीटिंग्स तब। पहला मुद्दा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि बहुत मुद्दा भारत के लिए, रूस के लिए, जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राजील भी एक भारत की तरह इमर्जिंग इकोनॉमी है, हालांकि यहाँ की जनसंख्या केवल 22 करोड़ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर, और यहाँ की इकोनॉमी करीब $2 ट्रिलियन की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन तब भी विकास का मुद्दा है, अभी भी थोड़ी बहुत गरीबी है यहाँ पे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो ब्राजील बहुत जोर से उठाना चाहता है वो है क्लाइमेट चेंज की बात। सब लोग जानते हैं कि अमेजन फॉरेस्ट, जिसको कि लंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वो जो क्लाइमेट चेंज की जो दिक्कतें आ रही है उसके लिए अमेजन फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे काफी विध्वंस हुआ, काफी डिफॉरेस्टेशन हुआ, लेकिन जब से प्रेसिडेंट लूला की सरकार आई है 1 जनवरी से, उन्होंने काफी हद तक उस डिफॉरेस्टेशन को रोक लिया है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं, वो यूरोप भी गए थे और वो इस बारे में बहुत जोश उठाएंगे। ये भी बहुत कहना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो प्रेसिडेंट लूला का ब्राजील का जो विजन है वो भारत के विजन से बहुत मिलता जुलता है, या जो ग्लोबल साउथ के और देश हैं उनसे काफी मिलता जुलता है। वो चाहते हैं कि इसकी जो कीमत है, अगर हम अपने क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं, तो उसकी जो कीमत है, जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनको इसकी कीमत को उनको देना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा जो ब्राजील उठाना चाहता है वो है ट्रेड बैरियर्स का, क्योंकि देखिए ग्लोबल साउथ के जो देश है, ग्लोबलाइजेशन उनके फेवर में है, वो चाहते हैं कि व्यापार हो, क्योंकि ग्लोबल साउथ में भारत हो, ब्राजील हो, या साउथ अफ्रीका हो, अर्जेंटीना हो, वो चाहते हैं कि अपने देश का विकास करना चाहते हैं।
लेकिन अगर ट्रेड बैरियर्स होंगे या ट्रेड वॉर होगा, जैसे कि अभी हम चाइना और यूएस के बीच में एक ट्रेड वॉर हम देख रहे हैं, वो किसी भी विकसित विकासशील देश के लिए, बजटिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो ब्राजील नहीं चाहता है कि इस तरह के ट्रेड बैरियर्स हों, वो चाहता है कि WTO को और मजबूत किया जाए, क्योंकि इन सारी दिक्कतों को हम इसे बच सकें। एक और मुद्दा ब्राजील जो वहां पे उठाएगा भारत में और फिर सर यहाँ भी उठाएगा, वो है एनर्जी या शक्ति के जो स्रोत है उनको कैसे बढ़ाया जाए। अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया को बचाना है, हमको पर्यावरण को बचाना है, इन सब दिक्कतों से बचना है, तो एनर्जी के नए नए स्रोत हमको ढूंढने पड़ेंगे। श्वेता, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ब्राजील में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 95% यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे कोई भी पावर स्टेशन कोयले पे नहीं चलता है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एनर्जी का है, बाकी पूरे पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, न केवल ब्राजील में बल्कि पूरे साउथ अमेरिका में। तो यहाँ का पर्यावरण बहुत ही क्लीन है और हवा भी यहाँ की बहुत शुद्ध और साफ है इस दृष्टिकोण से। तो ये सब जो मुद्दे हैं, और बाकी जैसे मुद्दे लोगों ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल डेटा की, इन सब मुद्दों को ब्राजील उठाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि कई लोगों ने बात की कि ग्लोबल साउथ को किस तरह से भारत नेतृत्व दे रहा है, और यहाँ पे हमारा कुछ चीन से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है उसके बारे में। तो ग्लोबल साउथ की नेतृत्व में देने में ब्राजील की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर होने के नाते और G20 के मेंबर होने के नाते ब्राजील की भूमिका है कैसे कि जो हमारे जो विकासशील देश है, इमर्जिंग कंट्रीज है, ब्रिक्स के मेंबर्स है, और जो मेंबर बन के आए हैं, एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार, और उसे कैसे हर देश आगे बढ़ाए, उसमें अपना योगदान दे, ये बड़ी चीज हो जाती है। अलग अलग देशों से आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।